सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये रहने वाला है व्लॉग 8 और अभी हम निकल रहे हैं घर से बाहर थोड़ा शाम को ऐसे ही घूमने फिरने। तो हम जा रहे हैं कवि नगर की तरफ जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है। तो हम दो लोग निकले हैं स्कूटी पे और बाकी पीछे आ रहे हैं गाड़ी से। आज एक्चुअली मन नहीं था गाड़ी में आने का, तो हमने सोचा मौसम अच्छा है तो स्कूटी से चलते हैं थोड़ी हवा खाते हुए। हम जा रहे हैं कवि नगर मार्केट। कवि नगर नहीं, कहाँ जा रहे हैं? राजनगर। सेक्टर 10 जा रहे हैं। गाज़ियाबादी लोगों की फेमस जगह है वो। अच्छा, ब्लॉग में आना है तूने? आज हमने सोचा बाइक राइड लेते हैं, बट बाइक नहीं ले सके तो हमने स्कूटी ली। अनफॉर्चुनेटली हमारी बाइक की सीट बंदर फाड़ गए हैं आज। तो ये है कवि नगर मार्केट। ये इधर KDB स्कूल आता है उधर, और ये है सी ब्लॉक मार्केट। 64 GB है ना, 128 ले लेते और 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके तो फायदे में रहते। तो इसमें हम आ जाएंगे पूरे वाइड एंगल शॉट में ना। अभी हम आ रहे होंगे इसमें पूरे। अभी दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं कवि नगर मार्केट और ये क्रॉस करते हुए हम राजनगर की तरफ चलेंगे। हमें स्कूटी लानी पड़ रही है आज घूमने के लिए, क्योंकि शाम को तो गाड़ी में घूम घूम के बोर हो गए। टाटा पंच वाले भाई लोग पीछे कहीं रह गए, दिख ही नहीं रहे कब से आ रहे हैं, पीछे ही हैं, ट्रैफिक में फंसे होंगे कहीं। अभी हम रॉन्ग साइड ले लेते हैं, मतलब वो पुलिस खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, तो हम सीधी तरफ से जाना पसंद करेंगे। वहाँ पे खड़े हैं और हमने एक्चुअली हेलमेट भी नहीं पहना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हम ये IMT के बराबर से आ गए। ये IMT कॉलेज है। यहाँ पे कुछ दिन पहले अश्नीत ग्रोवर भी आए थे जो कि भारत पे के एक्स को फाउंडर है। वही है ना अश्नीत ग्रोवर जो सीरियल दोगलापन वाले? ये दोगलापन है, शार्क टैंक वाले, शार्क टैंक वाले। इधर तो हम आ गए सेक्टर 10 मार्केट। जैसा कि हम देख सकते हैं आगे एक और पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई है, तो हम पहले ही अपनी स्कूटी रोक लेंगे चाउमीन वाले भैया के पास, जिससे हमारा कोई चालान ना हो। देखिए पुलिस को देख के हमने अपनी स्कूटी साइड में दबा ली है। चुप, ठीक है यही लगा लो। नहीं तो हमने लिए हैं हनी पटाटो एंड सिंगापुरी चाउमीन। मुझे इनका कुछ ज्यादा लग रहा है, ये पानी डालना चाहिए। नहीं भैया, आपने हनी बोली थी, कौन सी बोली? ये तो हनी है। मुझे तो इसमें हनी चाहिए। मुझे भी नहीं, और मुझे पनीर का पीस दो। हनी बेसिक तो वैसे स्वीट होता है, चिली वाले में ना बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से निकल रहे हैं पर्स नहीं लाया दीदी, क्या चाहिए? ओनली पेटीएम। अब वहीं चल रहे हैं, वहीं ले लेंगे।
जल्दी फिनिश करी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ चलें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कुछ और खाने के लिए। दो चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं, आप सबने कहा मोमोज रह गए हैं तो हम मोमोज खाएंगे, अच्छे से पेट ख़राब करेंगे हम सब अपना। हमने चाउमीन खा ली सिंगापुरी एंड चिली पोटैटो, नहीं हनी पोटैटो थे। अभी पेट ठीक काम कर रहा है तो और बिगाड़ने के लिए हमें थोड़ा मोमोज भी खाने पड़ेंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और ये कुल्फी फल वाले भाई लोग खड़े रहते हैं। आगे बाकी सारे क्या कर रहे हो वानु? शिवाय शर्मा शिवी तू आराम, भैया मामी से दूर रहना कर। गाड़ी भी दिखा दो, दिखा दी। ये पंच है भाई की, ये हमसे कितने 10 दिन पहले ली थी, 10 दिन पहले। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, अब चलते हैं घर की तरफ और आपसे मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। और दुबई का part 1 व्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है YouTube पे, तो आप आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप जल्दी से जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड उसका part 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय।